वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायनेक्स क्रिप्टो के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही संजीदा और एक बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंस रखने वाला ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जिसका क्रिप्टो के जो टोकनॉमिक्स हैं, टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, उनसे शायद उतना भी संबंध नहीं है। लेकिन इसके अगर यूज़ केस की दोस्तों बात की जाए तो बहुत ही अच्छा यूज़ केस है पूरे मानवता के लिए। ऐसी ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस लाने वाले हैं अपने सिस्टम्स पे, जहाँ पर आप लोग ये समझ पाएंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम्स कैसे काम कर सकता है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो डायनेक्स की न्यूरोमॉर्फिक चिप की यहां बात की जाती है। डायनेक्स प्रोटोकॉल यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अ न्यू लेवल ऑफ प्राइवेसी विद अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस की ये बात करते हैं। रेजिलियंस एंड सर्वाइबिलिटी की यहां पे बात कर रहे हैं। उसके साथ फुल सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसमें लिंकेबिलिटी, एक्सकल्पेबिलिटी, अनफॉरगिवेबिलिटी और एनोनिमिटी की यहाँ पे बात होती है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को आपका देखना बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं समझाऊंगा कि पूरा क्रिप्टो अपने आप में क्या कहता है। डायनेक्स द वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड न्यूरोमॉर्फिक सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, जो अपने आप में बता रहा है कि आने वाले समय में आपको ऐसा एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ एक ब्लॉकचेन को लेकर बात नहीं हो रही है। बिकॉज Dynex is a next generation platform for neuromorphic computing based on groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating nodes that constitute a decentralized neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency. Ab yahan pe teen cheeze bahut samajhne wali hain. Pehli baat, the participating nodes that will constitute a decentralized neuromorphic supercomputing network, yani ki ek aise nodes jo kabil hain, jo sashakt hain ek डिसेंट्रलाइज न्यूरोमॉर्फिक सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क बनाने के लिए, और उसके साथ वो कैपेबल है एक परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस एट अनप्रेसिडेंटेड स्पीड एंड एफिशिएंसीज, यानी कि जिस स्पीड की यहाँ बात हो रही है, जिस एफिशिएंसी की यहाँ बात हो रही है, उसको लेके ये कारगर है और ये आने वाले समय में अपना असर दिखाएगा। अब इसके साथ ये भी समझ लेते हैं, टू अचीव दिस एवरी कंप्यूटर, एवरी लैपटॉप एंड एवरी मोबाइल डिवाइस अवेलेबल नीड्स टू बी कनेक्टेड, यानी कि हर एक गैजेट को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात की जा रही है। एज अ कम्युनिटी एंड विद कोलैबोरेटिव एफर्ट वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी एंड एफिकेसी। योर ओल्ड कंप्यूटर और योर डोरमेंट माइनिंग इक्विपमेंट इनटू न्यूरोमॉर्फिक मशीन्स अर्न मनी एंड जनरेट वेल्थ। अगर आपके पास ऐसे मोबाइल पड़े हैं, ऐसे आपके पास गैजेट पड़े हैं, कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हो, उनको आप इन न्यूरोमॉर्फिक मशीन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। माइनिंग करके उसे आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? When Dynex started on September 16th, 2020, there was no initial coin offering. अब इस चीज को दोस्तों जरूर समझिएगा आप, यहां पर कोई ICO नहीं हुआ है, no pre-mining, no pre-allocations of token to any team members or investors. A truly fair launch, unparalleled in any other token platform, which is 100% public एलोकेशंस की यहाँ बात हो रही है। डिसेंट्रलाइज्ड न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की यहाँ बात हो रही है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल इसे बताया जा रहा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस हैं, ओपन एंड परमिशनलेस है। अ न्यू लेवल ऑफ प्राइवेसी की यहाँ दोस्तों बात की जा रही है, और इसी की ऑफिशियल वेबसाइट dynexcoin.org पे आप ये सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं। बिकॉज अगर ये 100% पब्लिक एलोकेशंस है, यानी कि यहाँ पर फेयर लॉन्चिंग की गई है Dynex की ओर से, मेमोरी हार्ड, वन टाइम रिंग सिग्नेचर, अनलिंकेबल पेमेंट है, ट्रांसफॉर्म योर कंप्यूटर इंटू ए न्यूरोमॉर्फिक मशीन्स की यहाँ बात हो रही है, डिस्कॉर्ड्स पे आप इसे चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। एक बहुत अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका व्हाइट पेपर अगर आप देखेंगे फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू द एंड, अगर सारी चीजें यहाँ पे टेक्निकल जार्गन्स यूज किए गए हैं, शायद वो आपको इतने अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल से चीज को बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस पूरे क्रिप्टो को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता हो कि कोरोना आने से पहले, जब कोरोना का समय आया था, तब कोरोना के बारे में किसी को नहीं मालूम था, लेकिन जब कोरोना आया, उसकी जो मेडिसिन बनने में, अब उसका जो एंटीडोट बनने में, या उसकी जो हम इंजेक्शन अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो लोगों को लगे हैं, उसको बनाने के लिए समय लगा था। अगर ये टेक्नोलॉजी, अब जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड कैनॉट बी सॉल्व विद एफिशिएंटली इन द करंट टाइमलाइन, यानी कि जो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो महामारी आती है, जो कोई ऐसा साइंटिफिक इश्यूज हमारे सामने आता है, मेडिकल रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज आते हैं जो हम टाइमली सॉल्व नहीं कर पाते हैं विद द करंट टेक्नोलॉजी, इस पूरे जो सिस्टम है इनके पास पड़ा हुआ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग भी कहा जाता है, नाउ विद द यूज ऑफ दिस न्यूरोमॉर्फिक टेक्नोलॉजी दे कैन बी सॉल्व विद एफिशिएंटली एंड
in the same time limits. अब if we succeed, these sorts of problem can be solved in a fraction of time. इसी चीज को समझने के लिए Dynex ecosystems आपके सामने जैसे मैं बता रहा हूँ ये काम करता है एक ऐसा platform जो किसके लिए बना हुआ है for liberating and accelerating neuromorphic computer, which we believe will be the future of computing. अब कैसे ये काम करेगा? Dynex is a next generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. अब इस protocol में क्या है? It consists of participating nodes that constitute a decentralized neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computation at unprecedented speed and efficiency even exceeding quantum computing. अब इस पूरे इकोसिस्टम को अगर देखा जाए यहाँ पर Dynex नोड की जरूरत पड़ती है और एक Dynex प्लेटफॉर्म है जिसे कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाएगा. इसके साथ Dynex न्यूरोमॉर्फिक चिप है बिकॉज एक मशीन ऐसे ही काम नहीं करती है, उसके लिए एक चिप की जरूरत पड़ती है. वो चिप क्या करती है यहाँ पे? Now this chip is very important in this whole ecosystems, which is composed of point attracted that represent the solutions to the problem. Now it is possible to numerically integrate Dynex machines equations of motions since they are known quantum systems. Now इस पूरे chip को अगर हम देखेंगे तो ऐसा एक system और एक ऐसा एक mechanism यहाँ पे बनाया जा रहा है जिससे super computing के results हमें देखने को मिलेंगे, जिससे हमारा processing time कम हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, फंक्शनैलिटीज अच्छी होंगी, उसके साथ जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हमारे लिए फेवरेबल रहेंगे. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर्स अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर इन दिस Dynex न्यूरोमॉर्फिक चिप की हम बात कर रहे हैं दोस्तों. बिकॉज वॉन न्यूमैन एक ऐसी थ्योरी थी जो यही कह रही थी कि सुपर कंप्यूटर के आने से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएंगी, लेकिन विद दिस डीएनसी दिस वॉन न्यूमैन बॉटलनेक जो एक हमारे पास एक अवधारणा है शायद उसको ये चिप क्रॉस कर पाए, उसको ये चिप ब्रेक कर पाए. इट मे बी यूज्ड टू सॉल्व हार्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम टू इंप्लीमेंट इंटीग्रल लीनियर प्रोग्रामिंग विच इज ILP टू कैरी आउट मशीन लर्निंग विच इज ML टू ट्रेन डीप न्यूरल नेटवर्क्स और टू इम्प्रूव कंप्यूटिंग एफिशिएंसी जनरली. तो यहाँ ऐसे ये पूरी चिप काम करने वाली है. Dynex की अगर हिस्ट्री रोड मैप की बात की जाए दोस्तों तो 2020 से ये काम कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर. रोड मैप के हिसाब से देखा जाए तो 2024 तक इनका जो है इन्होंने एक ऐसी रोड मैप क्रिएट किया जहाँ पर इन चीज़ों को अचीव करने की बात कर रहे हैं. बिकॉज इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी साइंटिफिकली मिक्सड काइंड ऑफ क्रिप्टो जिसे समझने के लिए बहुत ही टेक्निकल जागंस का यहाँ पे यूज किया गया है और ये एक नॉर्मल क्रिप्टो इन्वेस्टर को समझने के लिए बहुत इसमें मुश्किल आने वाली क्योंकि चीजें ऐसी हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो शायद एक इन्वेस्टर इसमें उन चीजों को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला है बिकॉज दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो. अब इसमें बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए हुए हैं जिसमें रिसर्च एंड प्रोटोटाइपिंग 2020 में शुरू हुआ था, देन न्यूरोमॉर्फिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, देयरफॉर दे हैव काइंड ऑफ सॉल्विंग बादल, देन उसके बाद डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट लाया गया, देन Dynex ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बात की गई 2021 में, फिर उसके बाद 2022 में अभी इनका वाइट पेपर देखने को मिला हमें और नवंबर के महीने में आते आते अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मेननेट, मोबाइल वेब वॉलेट, फोर माइनिंग पूल्स, उसके बाद Dynex सॉल्व मेननेट, तो ये सारी चीज़ें 2022 में लॉन्च कर दी थी. यानी कि इस साल दिसंबर तक ये इधर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी. अब मार्केटिंग प्रमोशन होने को जा रहा है, सेकेंडरी लिस्टिंग होगी, Dynex डोनेशन फंड आएगा इनका विच इज GDF आएगा, उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस Dynex मार्केट जो बन के आएगी 2023 में, देन उसके कस्टमर एंडोर्समेंट प्रोग्राम 2024 में आने वाला है. तो इस हिसाब से पूरे रोड मैप को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ जिसमें बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ों को हम देख पा रहे हैं. अब सिंपल तरीके से अगर आप इसे समझना है तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज Dynex. Dynex जैसे कि मैंने आपको पहले कहा नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है अलॉन्ग विद न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग बेस्ड न्यू फ्लेक्सिबल ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के साथ ही काम कर रहा है. यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसे गैजेट्स पड़े हैं जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं उनको भी आप Dynex न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के साथ जोड़ सकते हैं, वहाँ पर उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं. और इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपने पूरे कम्युनिटी मेंबर्स को यहाँ पर वो चांस देना चाहते हैं जहाँ पर वो इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं. थोड़ा सा टेक्निकल और काफ़ी पेचीदा किस्म का सब्जेक्ट है जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा ऐसे समय जरूर देना पड़ेगा. Dynex का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @DynexCoin है बिकॉज जैसे बार बार हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि काफ़ी नई चीज़ अपने आप में और पूरी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं जो चाहें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. रिसेंटली कॉइन मार्केट कैप पे ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद एक एक्सचेंज है वहाँ पर भी ये लिस्ट हुआ है, उसको भी हम चेक कर लेंगे आज. और कुछ अपडेट्स इन्होंने अपनी एप्लीकेशंस को देके रखी हुई हैं, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स है वो भी आप इसके ट्विटर हैंडल से चेक कर सकते हैं दोस्तों Dynex का खुद का मोबाइल वॉलेट है जहाँ पर आपको इसे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, कोई नोड की जरूरत नहीं है. स्टार्ट यूजिंग योर Dynex वॉलेट्स इन जस्ट टू क्लिक.
आपको यहाँ पे जस्ट इसका जो वॉलेट एड्रेस है वो वहाँ पे आपको डालना है, स्कैन करना है, और आप यहाँ पे इजीली अपने फंड्स को ट्रांसफर कर पाएंगे, इसके वॉलेट को आप यूज़ कर पाएंगे। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। उसके बाद आप पूल माइनिंग कर सकते हैं, बिकॉज पूल्स आर ऑपरेटेड बाय इंडिपेंडेंट पूल ऑपरेटर्स एंड देयर आर टू शेयर माइनिंग पावर एंड रिटर्न्स। इवन इफ द नेटवर्क डिफिकल्टी इज हाई यू कैन स्टिल गेट अ शेयर ऑफ ऑल ब्लॉक्स माइन बाय अ पूल। तो यहाँ पर माइनिंग भी की जा रही है। सो इसमें आप इस चीज़ को आप समझिए कि न्यूरो पूल, न्यू पूल और फेयर हैश करके हैं, जहाँ पे आप अपने पूल माइनिंग भी कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप की दोस्तों बात की जाए तो रिसेंटली जस्ट वहाँ पे लॉन्च हुआ है। डायनेक्स इज द प्रोजेक्ट नेम, डीएनएक्स इज द टोकन नेम, और अगर इसके प्राइस की बात की जाए इंडियन रुपीज में 16.27 डाउन बाय 4.99% है। रैंक 3255 है। 390 की वॉच लिस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। 19 मिलियन के करीब करीब आपको यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख जाएगी, जो भी वेरीफाई नहीं की गई है सीएमसी के थ्रू, क्योंकि सीएमसी जब इसे वेरीफाई करेगा उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। मैक्स टोटल सप्लाई 100 मिलियन के करीब करीब आपको देखने को मिलेगी। हिस्टोरिकल चार्ट लाइव डाटा के हिसाब से अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी सीएमसी पे लॉन्च हुआ है। फिर भी काफी अच्छी यहाँ पे लोगों ने ट्रेडिंग की है और काफी यहाँ पे माइनिंग भी की जा रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी होगी। 24 आवर्स वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 41.90% का यहाँ पे यस्टरडेज चेंज देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई 12 घंटे पहले का, क्योंकि कल ही जस्ट सीएमसी पे लॉन्च हुआ है, तो 22.73 है, डाउन बाय 23.76% है। ऑल टाइम लो 3 दिसंबर दो दिन पहले 10.68 इंडियन रुपीज था, हाई बाय 62.29% के हिसाब से देखने को मिल रहा है। ROI अवेलेबल नहीं है। ट्रेड करने के लिए TX बिट पर USDT और यूरो के पेयर में आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ये कहा जाए तो एक ऐसा कंसेप्ट जो ज़्यादातर साइंटिफिकली अपने आप को डिस्क्राइब करता है, जहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप समझ लीजिए कि आप अगर साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं और आपको नॉलेज है उन चीज़ों का, तो आप क्रिप्टो से थोड़ा सा अलग अपने आप को यहाँ पे पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो कुछ साइंटिफिक सॉल्यूशंस की यहाँ बात कर रहा है, कुछ ह्यूमन मैनकाइंड की यहाँ बात हो रही है, कि जहाँ पे रिजल्ट्स को एक सुपर कंप्यूटिंग मेथड्स के थ्रू सामने लाया जाए, वहाँ पर चीज़ें क्लियर की जाएं और ऐसे कुछ सॉल्यूशंस दिए जाएं जो आने वाले समय में लोगों के काम आए, कम्युनिटी के काम आए। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को इसी घेरे में रखा गया है कि आप इस प्रोजेक्ट को एक आम क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरह ना देखें। एक ऐसा मिशन इन लोगों ने लाया है, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और एक ह्यूमैनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट जिसे कह सकते हैं। तो डायनेक्स वहां पे अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैक्स सप्लाई की बात की जाए, प्री सेल की बात की जाए, या यूं कह लीजिए एक ICO की बात की जाए, तो इसने वहां पे अपने आप को अलग रखा हुआ है। जब मेरे इसके डेवलपर से बात हुई थी, इसके फाउंडर से जब मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगे तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप पहले प्रोजेक्ट को समझिए कि पूरा प्रोजेक्ट है क्या, कैसे काम करने वाला है। हम 2020 से काम कर रहे हैं और हमारा एक लॉन्ग रन हम चल रहे हैं, हमें कहीं पर भी अपने टोकन्स नहीं बेचने हैं। हम चाहते हैं पहले कोई प्रोजेक्ट को से समझे, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि वो उस इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल होगा जो इसे समझेगा। तो दोस्तों एक प्रोजेक्ट बहुत ही अलग सा क्रिप्टो से हट के, लेकिन एक न्यूरोमॉर्फिक नेटवर्क जिसमें एक ऐसा रिजल्ट लाने की बात कर रहे हैं जो क्रिप्टो से थोड़ा अलग नजर आता है यहाँ पे। तो दोस्तों आज हमने बात की डायनेक्स कॉइन के ऊपर, डायनेक्स इकोसिस्टम्स के ऊपर, डायनेक्स की जो न्यूरोमॉर्फिक चिप है, डायनेक्स का जो न्यूरोमॉर्फिक फॉर्मूला है, उसके बारे में आज हमने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया, थोड़ा सा समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।